हेलो एवरीवन, आज हमारे पास जो है देख सकते हैं बेडशीट न्यू बेडशीट है। तो इसमें फ्लावर प्रिंट था, तो कॉटन बेस है, बिल्कुल कॉटन बेस है। तो उन्हें अच्छा नहीं लगा कि हम इसे बेड पर, हमें अच्छी नहीं लग रही है, तो इसका बनवा रहे कोट सेट। और हम इसका क्या लुक देते हैं, हम एक बार आपको पूरी खोल के बेडशीट दिखा देते हैं, और इसका क्या लुक आने वाला है वो हम आपको फाइनल लुक बाद में दिखाएंगे इसके। और ये जो हमारी बेडशीट है, ये पूरी की पूरी, मतलब जैसे हमारे सूट के फैब्रिक आते हैं, इसी बेस में लग रही है, पता नहीं लग रहा है कि बेडशीट है नहीं। अब हमने ये रख लिया ऐसे, और इसकी हम जो ये बेडशीट है, मतलब हमारा जो फैब्रिक है एज अ फैब्रिक, ये हमारे शर्ट की जैसा ही फैब्रिक है, जैसे सूट का फैब्रिक होता है, बिल्कुल कॉटन बेस, अच्छा फैब्रिक है, स्टफ बहुत हैवी है। तो हमारी लेंथ है 32 पेपलम टॉप बना रहे हैं कोट सेट में हम इसका, और अपर है इसकी, मतलब हमारी जो चोली है वो 14 है, तो इसे माइनस करके 18 इंच का हमने नीचे जो इसका अम्ब्रेला फ्रॉक बनानी है, और बस रहेगी 32, 2 इंच का मार्जिन इंक्लूड करेंगे 34 का फोर्थ पार्ट आएगा हमारा 8.5 पर, कमर रहेगी हमारी 28, 1 इंच का मार्जिन इंक्लूड करेंगे, और ये हो गया 29 का फोर्थ पार्ट है 7.25 पर, नेक फ्रंट हमारा 7 रहेगा और तीरा रहेगा 14, बैक नेक नहीं है क्योंकि ये कोट कॉलर बनेगा, और ये 14 है यानी कि पीछे से 0 साइज नेक ही है हमारा, ये बंद है बिल्कुल। तो हम आपको बताते हैं कैसे कैसे हमने लेना है, और ये आगे से जो हमारा ये कोट कॉलर रहेगा ये ओपन में रहेगा, यानी कि बटन बंद करेंगे, तो हम आपको दिखाते हैं इसकी कटिंग। तो हमने फैब्रिक एक साइड से ले लेना है, और हमने यहाँ पर इसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं इसकी, फिर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग जो है 1 इंच अप करके करनी है हमें फ्रंट पार्ट से, और फ्रंट पार्ट को हमने इधर से, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो है हमारा इस साइड में बटन बंद करने हैं, यानी कि पूरा स्लिट में है, बंद करना है। तो अब हम बस देखते हैं कि इसका फोर्थ पार्ट है बस्ट का 8.5, तो 2 इंच का मार्जिन इंक्लूड करके ये हो गया है 10.5 बैक पार्ट के लिए। तो हम इसे 10.5 पर कर लेते हैं, ये हमने 10.5 पर रख लिया है, और उसके बाद हमने लेंथ रखनी है 14 अपर की, पूरी रेडी लेंथ रखनी है 14। तो ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट को हमने 1 इंच अप करके लेना है, 1 इंच अप करके लेना है, जिससे हमारा खिंचाव नहीं पड़ेगा नेक पे, जो भी नेक बंद होता है, शर्ट कॉलर, कोट कॉलर, कुछ भी होता है, तो उसका बैक पार्ट हम अप करके लेते हैं। तो 1 इंच हमने अप कर दिया। अब इसके बाद करेंगे हम मार्किंग। मार्किंग करने के लिए अब यहाँ से देख सकते हैं हमने लेंथ रखनी है रेडी 14, तो हम यहाँ पर 15.5, मतलब 1.5 इंच का मार्जिन इसमें इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ से तीरा लेना है, तीरा हमारा ये 14 है, तो आप इसमें कोट कॉलर में 1/2 इंच बढ़ाकर ले सकते हैं, 1/2 इंच बढ़ाकर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर तीरा ले रही हूँ 7.5, खिंचाव नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल बंद है नेक, 7.5 आप आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 7 भी लोगे तो उसमें मतलब पूरा पूरा फिटेड आएगा। तो हम ये ले रहे हैं 7.5, बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा आप, मतलब यहाँ से 1/2 इंच जो है स्लीव में चला जाएगा 7 इंच रेडी होकर, क्योंकि रेडी तीरा है। तो उसके बाद यहाँ से हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे, 1/2 इंच यहाँ से डाउन आ जाएगा, यहाँ से हमने पूरा 7 पर लेना है, क्योंकि ये जो फ्रंट पार्ट है फिर ये हमारा आगे से प्लेट्स बनेंगे, तो इसलिए हमने थोड़ा ऐसे डाउन करके लिया है, शोल्डर से मतलब ऐसे करने पर खिंच नहीं रहनी चाहिए, जिससे कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ से 1/2 करना है, 7 इंच का 1/2 3.5 पर, और यहाँ से 1.5 इंच की मार्किंग करनी है इस कोने से, 1.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है, और यहाँ से बस साइज लगा लेंगे, क्योंकि इस मार्किंग को राउंड शेप देते हुए बस साइज तक मिलाना है। तो 8.5 पर हमारा जो है बस साइज और 2 इंच का मार्जिन। उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे, तो उससे पहले हमने प्लेट्स लगानी है बैक साइड पर, तो हमारी प्लेट आएगी 10.5 पर, और यहां से लेंगे हम 3.5 पर। साढ़े तीन का ये सीधा निशान हमने जो है ड्रॉ कर लेना है। अब उसके बाद यहां से ये 1/2 इंच इधर से जाएगा, 1/2 इंच इधर से जाएगा, इट मीन 1 इंच जाएगा। तो हमें कमर जैसे 7.5 रखनी थी फोर्थ पार्ट, तो हम यहाँ पर 7.5 रखेंगे, और उसके बाद 2 इंच, ये क्योंकि हमारा ऐसा इकट्ठा हो जाएगा और ये इधर खिंच जाएगा, जिससे फिटिंग पूरी प्रॉपर शेप में आती है। अब हमने इसकी कर लेनी है कटिंग, उससे पहले यहाँ पर
इसका हाफ एंड इस निशान तक हमने इसे मिलाना है। ये हमारी शेप आ गई है। तो अब हमने इस निशान को इस निशान से, जो हमारे मेजर वाले निशान है, ये हमने मिला लिया। अब कटिंग, ये हमारा बैक पार्ट है। इसके बाद हमने फ्रंट पार्ट, हमारा स्लिट में रहेगा तो उसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से, और ये जो एक इंच डाउन है, इस एक इंच को हमने यहाँ से इसके ये बैक पार्ट को ही अप रखना है, फ्रंट पार्ट को अपने ही रखना है, इसलिए इसे पूरा साथ पर ही हम कटिंग करेंगे। और यहाँ से एक इंच इसकी चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं पूरा पूरा हमारा एक इंच पर ही हम मार्किंग कर देते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ से एक इंच पर है, और ये सिर्फ बैक पार्ट को ही आपने एक इंच बढ़ाकर जो है बैक पार्ट को ही रखना है, फ्रंट पार्ट को नहीं रखना है। देख सकते हैं फ्रंट पार्ट को मैंने नीचे रखा हुआ है। अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। हमने कटिंग इक्वल ही करनी है। ये हो गई है इसकी कटिंग। ये हमारी पूरी प्रॉपर कटिंग हो गई है। अब हमने जो है यहाँ पर टक लगाने हैं दोनों में, और यहाँ से इसे कर देना है बीच में से फ्रंट पार्ट को कटिंग। ये हमने एक्स्ट्रा थ्रेड की सफाई से फिनिशिंग कर देनी है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इस पार्ट को हाफ इंच डाउन करना है, या दोनों को रखकर हमने नीचे रख लेना है और हाफ इंच डाउन कर देना है। इकट्ठे डाउन हो जाएगा दोनों पार्टों में से हाफ इंच, पूरा पूरा हाफ इंच पर हमने डाउन करना है। ये देख सकते हैं हाफ इंच, यहाँ से हमने इसकी मार्किंग करनी है हाफ इंच की, और ये हम तिरछी कर देंगे इसकी कटिंग। और इसे बढ़ा के ऊपर ही रख देंगे बैक पार्ट को, और ये है हमारी, यहाँ से भी टक लगा देते हैं, जो हमारा कमर का निशान है। ये हमारी सारी कटिंग हो चुकी है। अब हमने फ्रंट पार्ट पे जो ये पीछे हटाना है, तो इसे यहीं से एक इंच हमने जो है डाउन कर देना है। ये मैं आपको पूरा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये हमारा 6.5 पर आ रहा है हाफ इंच कटिंग होने के बाद। और ये है हमारा 1.5 इंच का, ये देख सकते हैं, ये हमारा जो हमने निशान ड्रॉ किया था। अब उसके बाद हमने यहाँ से जो है तीरे की, मतलब अगड़ा हमारा जो फ्रंट है, तो उसके लिए कटिंग करनी है। तो उसके लिए हमने कटिंग करनी है, सिर्फ यहाँ से 1 इंच डाउन करना है और इस पर मार्किंग करनी है फ्रंट पार्ट पर। इसे बिल्कुल एक्यूरेट सेट आता है, क्योंकि हम इसे 1 इंच पीछे करेंगे बात नहीं आ जाती है, मैं सीधा ही कर देती हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम इसे फ्रंट पार्ट की कर देंगे इसकी कटिंग पूरी राउंड शेप में। ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट। उससे पहले अब हम कर देते हैं नीचे जो अम्ब्रेला फ्रॉक बनेगी उसकी कटिंग। सो हमने 4 फोल्ड में से बिछा लिया है नीचे के अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए। हमने अपर पार्ट की कटिंग कर ली थी, अब हमने ये 4 फोल्ड में देख सकते हैं, और हमने ये यहाँ से 4 फोल्ड में रखा हुआ है, और यहाँ से 30.5, और इधर से हमारा है ये भी सेम ही है, मतलब हमारा चारों डायरेक्शन से, इसलिए स्क्वेयर हमने बना दिया है 30.5-31 का। अब हम इस पर जो है यहाँ से कमर का मेजर करेंगे। कमर हमारी 7.25 पर है, हमने आपको बताया था 4th पार्ट, ये रहा हमारा इसका 4th पार्ट, 7.25 पर है। तो अब हम यहाँ पर 7.25 पर एक निशान लगाएंगे, यहाँ से कोने से, एक कोने से, जिससे यहाँ भी बंद आए और यहाँ भी बंद आए, उधर से लगाएंगे तो हमारी दोनों डायरेक्शन कटी हुई आएगी, यहाँ से हमारा राउंड में आएगा। तो हमने देख सकते हैं दोनों डायरेक्शन हमारी ये बंद है, ये बंद है, और इधर से भी ये फोल्डेड है।
तो अब यहाँ से हमने निशान लगाना है 7.25 पर, हमने ये 7.25 पर ये निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम चेक करेंगे, यहाँ से 7 आया है और यहाँ से 4.5 आया है, तो हम यहाँ से 5 इंच कर लेंगे और यहाँ से भी 5 इंच कर लेंगे और एक मार्क यहीं कोने से 5 इंच का लगाएंगे। ये हमने 5-5 करते हुए एक बार इसे ऐसे लेना है और इसे पास से आपको दिखाते हैं। ये हमने इस कॉर्नर से लिया है, दोनों साइडें बंद है और यहाँ से हमने इसे 5-5 किया है। तो अभी हम इसे चेक करेंगे, ये देख सकते हैं पूरा पूरा हमारा ये 7.25 पर यहाँ से आ गया है घूमने के बाद। एक इंच बढ़कर ही, मतलब एक पॉइंट बढ़कर ही आ रहा है। उसके बाद हमने यहाँ से लेना है, पार्ट कटिंग करने के बाद हमने लेना है, तो हम इसका 18 इंच हमने रेडी रखना है, रेडी लेंथ रहनी चाहिए। नीचे फोल्डिंग भी है और फोल्डिंग का भी कपड़ा हमने इसमें नीचे करना है, तो उसके लिए हम बताते हैं आपको। हम इसमें 2 से 2.5 इंच का मार्जिन इंक्लूड करते हैं जिसमें आराम से फोल्डिंग वगैरह सब कुछ आ जाएगी। तो हम इसे ले रहे हैं 21.5 पर और यहाँ से भी हमने 21.5 पर एक मार्किंग कर देनी है। इसे देखना है यहाँ कोने से लेते हुए 21.5 पर हमारा कितना है, ये 26.5 आया है। अब हमने ऐसे 26.5 पर मार्किंग करते हुए जाना है। यहाँ पर हम रख लेंगे सीजर पॉइंट पर, और यहाँ से हमने ऊपर से भी इसकी कमर वाले पार्ट की यहाँ से भी कटिंग कर देनी है जो हमने ये मार्किंग की है। ये हमारा हो गई है अम्ब्रेला, जो फ्रॉक कटिंग होकर रेडी। ये देख सकते हैं इसके फ्लेयर हमारे ऐसे आ जाएंगे, ये लगकर आएगी। और उसके बाद अब हमने कर लेनी है स्लीव्स की कटिंग, ये हमारी दोनों साइडों से बंद है, नीचे से फोल्ड करनी है ओनली। चाहे आप पिको भी करा सकते हैं बट मैं इसे फोल्ड ही करूँगी। अब हमने करनी है स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स की कटिंग हमने कैसे कैसे की है ये हम आपको बता देते हैं। हमने इसकी टोटल लेंथ है, हमें 19 पर रेडी करनी है स्लीव्स जो है हमारी, हमने 19 पर रेडी करनी है। इसकी जो नीचे पट्टी आएगी और ये जो है इकट्ठा होकर आएगा, मतलब ये हमारी यहाँ से गैदरिंग होकर यहाँ पर ये हमारी जो है एक पट्टी लग जाएगी फिटिंग के अकॉर्डिंग। और यहाँ से हमने सेम 3 इंच और यहाँ से 3 इंच डाउन, और हमने शेप देते हुए इसे यहाँ से रखा है, देख सकते हैं नीचे से 10 इंच पर पूरी है इसकी गैदरिंग होगी। इसकी हमने शेप देकर कटिंग नहीं की है क्योंकि हमने गैदरिंग में करनी है, और ये फ्रंट साइड की कटिंग कर दी है। तो अब हम करेंगे इसकी, इसे कैसे कैसे हम ज्वाइंट करेंगे वो आपको दिखाते हैं। और हमने पैंट की कटिंग की वीडियो डाली हुई है, सेम वैसे ही पैंट कर ली है कटिंग। अब हमारे फ्रंट और बैक पार्ट है, बैक पार्ट ये ऊपर है 1 इंच बड़ा हुआ है, तो अब हम इसका एक मेज़र निशान लगा देते हैं यहीं से। तो हमने यहाँ से इसका निशान लगा दिया है 3 इंच पर, और बैक पार्ट पर हम इसकी 1 से 1.5 इंच की कट यहाँ से राउंड शेप डाल देंगे। और इतना ही सेम हमने 3 इंच का ही नीचे एक निशान ड्रॉ कर देना है, देख सकते हैं मैंने नीचे करके इसे निशान ड्रॉ कर लिया, बाद में इसे ऊपर कर देंगे हम, 1 इंच नीचे चला गया। तो यहाँ पर भी हमने 3 इंच का निशान लगा लिया है। पहले हम फ्रंट पार्ट की छांट देंगे इसमें से, ये 1.5 इंच पर हमने फ्रंट पार्ट की 3 इंच की, अब हम मतलब ये बैक पार्ट की हमने जो छांट दे दी है, अब हम फ्रंट पार्ट की छांट देंगे। फ्रंट पार्ट की यहाँ से हमने सेम निशान लगाया है 3 पर, दोनों का सेम हमारा निशान लगाया है, और ये 1 इंच एक्स्ट्रा है बाहर निकला हुआ, इसे नहीं काउंट करना है 3 में। तो यहाँ से हमने 3.5 पर एक मार्किंग करी और इसका स्क्वायर में एक बॉक्स बना देना है। जिस स्क्वायर में बॉक्स बनाने के बाद इसे एक शेप डालनी है हमने, और इसकी कर देनी है यहाँ से कटिंग। ये फ्रंट पार्ट है हमारा, उसके बाद यहाँ से हमने 2 इंच इस लाइन से जो ये 1 इंच की मार्किंग है, इस मार्किंग से आगे 2 इंच पर एक निशान लगाना है जिससे हमारा गला लगेगा भी
जो हमारा कोट कॉलर बनेगा, कोट कॉलर की वीडियो मैंने डाली हुई है। यहाँ से हमने कर दिया, इस पर टक लगा दिया। अब देखते हैं हम यहाँ से कितनी पट्टी बनाए जो यहाँ पर फोल्डो करा जाए। तो 3 इंच, यानी कि 1 इंच ये, 2 इंच ये, तो 3 इंच, 3 इंच तक की हमें नीचे तक की ये लेंथ लेनी है इसकी, जितनी इस पार्ट की है सेम उतनी ही लेंथ हमने लेनी है। ये हमारी 15 इंच की है लेंथ, तो हमने 15 इंच की ये पूरी पट्टी लेनी है। और ये 6 इंच का हमने जो है रख लिया है। उसके बाद इस पर हमने जो है फ्रंट पार्ट को रखना है उठाकर। यहाँ से हमने इसकी जो है पूरा पूरा इसे रख लेना है, यहाँ से इक्वल रहना चाहिए, और इसकी कर देंगे कटिंग। और इसकी ऊपर की ये वाली मार्किंग हम कर लेंगे, ये हमने कर ली है मार्किंग। अब हम इसे हटा देते हैं। अब कैसे मार्किंग करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये शेप हमने यहाँ पर लगा ली है, यहाँ पर ये रहेगा हमारा 2 इंच, तो यहाँ से हम 2-2 इंच ऐसे टर्न करते हुए रखेंगे, और यहाँ से रहेगा 3 इंच। क्योंकि हमारा ये कफ, मतलब हमारा काज बटन इसमें बनेंगे, ये ओपन एरिया रहेगा। ये हमने कर देनी है कटिंग, और इसे कर देना है पेस्ट। ये हमने फ्यूजिंग पेपर की और इसे अंदर से भी कर लेनी है ऐसे ही कटिंग। और इसे फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। इस पर कर लेनी है प्रेस। तो अब हमने इसे पेस्ट कर दिया है, और इसकी भी कर देंगे फैब्रिक की कटिंग। और इसकी सेंटर से कर देनी है हमने डबल करके इसकी भी कटिंग। पहले से 3 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे, जैसे हमने फ्रंट पार्ट की थी 2 इंच आगे 1 इंच से, तो 3 टोटल। और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लगाया था। और ये सेंटर से कर दी है कटिंग। अब इस पार्ट को हम फ्रंट पार्ट पर अटैच करेंगे। ये हमारे हैं फ्रंट पार्ट, सीधी साइड से हमने इसे अटैच करना है। और 2-2 इंच तक ऊपर सिलाई यहाँ नहीं चलानी है, सिलाई हमारी जो है यहाँ से नहीं चलानी है, हमें सिलाई जो है हमारी यहाँ से शुरू करी है। जो 2 इंच का हमने ये 3 इंच का 2+1 इंच ये यहाँ से ऐसे चलाते हुए आना है, और ये सीधी, और यहाँ से भी ऐसे ही चलाते हुए हमने आना है। 2 इंच की जो है 3 इंच की मार्किंग की हुई है, जब बंद होता तो 2 इंच पर होती मार्किंग, अभी 1 इंच हमने जो है ये जो बटन के लिए काज बनेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे आएगी, तो उसके लिए है ये एक्स्ट्रा। तो हम इसे लगा कर, सिलाई लगा कर आपको फोल्ड करके दिखाते हैं ऐसे करने, ये हम आपको बताते हैं। स्टार्ट करनी है, और ये सीधी, ऐसे हम दूसरे पार्ट को भी करेंगे। ये हो गई है हमारी सिलाई। इस पार्ट को हम नीचे वाले पार्ट को जो यहाँ से एक टक लगा के इसे भी फोल्ड कर देंगे जल्दी से।
दूसरे पार्ट में भी हम सेम ऐसे ही कर लेंगे। ये हमारे दोनों पार्टों को हमने साइड से फोल्ड भी कर लिया है, और जो यहाँ पर ये टक लगाया था हमने 3 इंच पर सिलाई लगाई थी, अब इसे कर लेंगे हम यहाँ से कोने को बाहर निकाल लेंगे। इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ से कर लेते हैं थोड़ी सी कटिंग, जिससे कोना फिनिशिंग के साथ हमारा बाहर आ जाएगा। और यहाँ से ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, इस पर कॉलर लगेगा 1/2 इंच का। दूसरा पार्ट भी देख सकते हैं टक से टक मिला हुआ है बिल्कुल, और इसे भी हम फोल्ड कर लेंगे एक्स्ट्रा की कटिंग करते हुए कॉर्नर से। अब इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे, इस पर प्रेस कर कर ये सेट हो जाएगा। अब हमने इसकी जो यहाँ पर ये प्लेटों के निशान दिए हुए हैं, इन निशान को हमने जो है मार्किंग करके जहाँ पर कटिंग का निशान है 5 इंच का ये कट डला हुआ है, तो हम यहाँ तक प्लेटें सेट कर देंगे। ये देख सकते हैं दूसरे पर है हमारी मार्किंग, तो ऐसे ही हम इसकी प्लेटें डाल देंगे। चारों पार्टों पर, फ्रंट पर, बैक पर हमने ऐसे ही प्लेटें डाल देनी है। ये हमारा बैक पार्ट, इस पर भी हमने सेम प्लेट्स ऐसे ही डाल देनी है। अब हमने करना है इनके शोल्डर जॉइंट। ये बैक पार्ट के ऊपर ऐसे रखते हुए हमने ये फ्रंट पार्ट, सेम ऐसे ही दूसरी साइड से भी हमने रखना है। ये हमारा इतना पार्ट रेडी हो गया है। और ये कॉलर हमारे ऐसे फोल्ड होकर जाएंगे अंदर की साइड। अब हमने इसका करना पहले कॉलर मेजर कर लेना है। कॉलर मेजर हम आपके सामने कर लेते हैं। ये हमारा 7 इंच पर जो है एक्यूरेट आ जाएगा, यानी कि 14 इंच का कॉलर। हमने डबल में पेपर ले लिया है, फिजिंग पेपर, और उसको हमने 5 इंच का ब्रॉड लिया है, और यहाँ से लिया है हमने 8 इंच का डबल में। तो ये हमने 14 इंच का रेडी रखना है, तो हमने यहाँ पे 7 इंच पर मार्क किया है। 7 इंच पर मार्क कर हमने इसके बाद यहाँ से 3 इंच पर मार्क किया है, और इस शेप को हमने यहाँ से राउंड राउंड ऐसे लाना है। ये शेप हम लाए, उसके बाद हमने ऊपर से ये नीचे से लगेगा और ये ऊपर से फोल्ड होकर आएगा। उसके बाद हमने 3.5 पर मार्किंग करते हुए सारे पर लास्ट तक ले जाना है, और यहाँ से काउंट करना है कि ये हमारा 7 पर कहाँ रहा है। यह हमारा 7 पर आ रहा है, और ऊपर भी हमने ये चीज़ देखनी है कि 7 पर कहाँ आ रहा है। तो 7 पर यहाँ आ रहा है हमारा, तो यहाँ से हम ऐसे तिरछा मिला देंगे इस निशान को, और इसकी कर देंगे कटिंग। कटिंग कर हम इसे डबल फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे, सीधी साइड अंदर की साइड, उल्टी साइड पर इसे पेस्ट कर देंगे। ये हो गई है हमारे नेक की कटिंग, और ये नेक बनकर आएगा हमारा ऐसे, ये ऐसे लग जाएगा। तो हम इसे फैब्रिक पर पेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं कि कैसे लगाना है। सो फ्रेंड, हमने पेस्टिंग कर लिया है, और देख सकते हैं सीधी साइड 2 फैब्रिक हैं, सेम हमने इसकी तरह ही पेस्टिंग करा है जैसे हमने कटिंग किया था नेक। तो जल्दी से इसे बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे कैसे बनाना है। अब हमने इधर से सिलाई करनी स्टार्ट करनी है, हमारे इक्वल रहने चाहिए। Thank you.
अब जिस पर पेस्टिंग की हुई है इस पार्ट को हम फोल्ड कर लेंगे यहाँ से, इतना ही फोल्ड करते हुए जाना है हमने। कच्ची जो सिलाई लगा लेनी है बाद में इसे निकालना है। और इस पर यहाँ लगा देने हैं टक, टक लगा कर इसे करेंगे हम फोल्ड। अच्छे से इसके जो किनारे हैं हमें अच्छे से निकाल लेने हैं। और इसे प्रेस करके कर लेना है यहाँ पर सेट। और जितना नीचे फैब्रिक बसता है यहाँ पर हमने जो है निशान लगा लेना है सेम। ये हमने कर ली है मार्किंग, अब हम इसे लगा के दिखाते हैं आपको कैसे लगाना है। नेक पर मार्किंग करने के बाद ये हमने, अब हमने यहाँ से रखना है उल्टी साइड से, और जहाँ पर ये हमने निशान लगाया देख सकते हैं ये हमारा निशान है, और इस पर चलानी है हमने सिलाई। ये हमारा आ गया है पूरा पूरा। अब हमने इसे यहाँ से ये सिलाई कर लेनी है। ये देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट हमारा ये सेट आ गया है नेक। अब हम इसकी दांत की सिलाई चला देंगे। और ये हमने जो हमारी रफ स्टिच है इसे हमने निकाल देना है, और ये हमारा कॉलर हो गया रेडी। उसके बाद जो हमने पट्टी लगाई थी इस पर भी एक सिलाई चला लेंगे दाब की। अब हमने इसे सीधा करके रखना है, और यहाँ से हमें एक वल कर लेना है, जितना बचेगा वो सेंटर में एक दूसरे के ऊपर ही हमारी पट्टी आ जाएगी दोनों साइड से। तो ऐसे ही हमारा नेक जो है प्रेस करके ऐसे सेट हो जाएगा। और यहाँ पर हम कर देते हैं पिने लगा देते हैं। पहले हम बॉल पिन से इसे कर देते हैं अटैच। ये एक एक इंच का हमने एक दूसरे के ऊपर रखना है, क्योंकि हमने एक इंच का ही मार्जिन लिया था, इससे ज़्यादा नहीं लिया था। तो एक इंच से ही हमने यहाँ पर ये एज बनानी है, ऐसे कोना बनाना है बिल्कुल। और यहाँ पर कर देनी है पिनअप, और इसका मेज़र इसमें हम काज बटन लगाएंगे। ये अभी हम इसे पिनअप कर देते हैं, फिटिंग का निशान लगा लेते हैं जो हमने। अब इसे हम करेंगे उल्टा, और हमारी फिटिंग है 8.5 और 7.25 कमर की। यहाँ पर चला लेंगे सिलाई। ये देख सकते हैं हमारा नीचे टक से टक मिलकर ये आ रहा है, और इसमें हमने सिलाई को जो है चला लेना है। दूसरे साइड पर भी सेम हमने ऐसे ही चला लेना है।
ये हमने इस पर डबल सिलाई कर दी है। अब हम आपको इसे सीधा करके दिखाते हैं। इसे हम बाद में कॉलर बना देंगे, ऐसे फोल्डिंग में आ जाएगा ये, प्रेस करके पूरा सेट हो जाएगा हमारा एक्यूरेट। और ये हमारा फोल्ड हो जाएगा ऐसे, इसे हम बाद में करेंगे, अब इसलिए हमने यहाँ पर पिंस लगाई हुई है। तो ये हमारा इतना एरिया हो गया है सेट। यहाँ पर जो हमने आपको कटिंग करके दिखाई थी बिल्कुल राउंड है, ओनली हमें इसे ऐसे राउंड से लगानी है। तो सीधा पार्ट जो है हमारा अंदर की साइड है, ये हमारा उल्टा पार्ट रखा हुआ है, देख सकते हैं ये सीधा है और ये उल्टा है। तो हम इसके अंदर शर्ट को ऐसे डाल देंगे, सीधी साइड से है क्योंकि हमारी शर्ट ये सीधे पर सीधा हमारा अटैच हो करा जाएगा। ये एज से एज हमने यहाँ से मिला लेने हैं। अब हम इसे जॉइंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा साइड का है, इसे हम ऐसे दे देंगे, इसे मतलब हल्का सा हमने फोल्ड करना है। फोल्ड करके मतलब ज़्यादा ऐसे नहीं दबना चाहिए, जिससे हम बाजू उठाएंगे तो यहाँ पर खिंच पड़ेगी। ये पूरा रेडी होने के बाद अब हम इसकी स्लीव रेडी करेंगे, नीचे की फोल्डिंग लास्ट में करेंगे हम। तो इसका देख लेते हैं आर्म होल का मेज़र कितना आएगा। यहाँ से ये हमारा 8.25 पर आ रहा है, तो हमें 1/2 इंच कम करके स्लीव्स लगानी है। ये बहुत ही मतलब ये एस साइज के है तो आराम से आ जाएगा, पूरा फिटेड आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने ये 10 इंच की मोरी के लिए पहले तो ले ली है बुकरम, पेस्टिंग कर ली है, ये आपको दिखा देते हैं। ये हमने 10 इंच की ली है और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे हम बाद में कटिंग कर देंगे। पूरी पूरी 10 इंच की हमने बुकरम ली हुई है और इसे पेस्टेड करके ऐसे हमने कर लिया है और ये कर लिया है इस पर मार्किंग। दोनों पार्टों पर हमने ऐसे ही, अब हम स्लीव्स करेंगे रेडी। ये हमारे स्लीव्स हैं, देख सकते हैं। और ये हमारी 1/2 इंच कम करके, यानी कि 8.25 है तो 7.75 पर या 7.5 पर पूरा पूरा हम ये लगा लेते हैं मार्किंग। यहाँ पर हमारी स्लीव्स आएंगे, मतलब हमारा आर्म होल इतना है 15 इंच तक का। और यहाँ से हमने फुल लेना है, तो अब हम इसकी गैदरिंग कर लेते हैं। छोटे छोटे प्लेट्स में हमने इसे सेट करते हुए जाना है, बिल्कुल छोटे छोटे। ये देख सकते हैं 10.25 आ गया है, ये हमारी पूरी 10 पर रेडी हो चुकी है। ऐसे ही हम ऊपर के पार्ट को भी रेडी कर लेंगे, दूसरे पार्ट को हम सेम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। अब हमने इसे बैक साइड से, इस पार्ट पर जहां हमने मार्किंग की है, जहां से बुकरम है, यहां से यहां तक, तो अब हम इसे रख लेते हैं। और इसे पलट कर हमने ये हमने यहाँ पर लगाने के बाद इसे ऐसे पलट लेना है।
ये हमारा पूरा पूरा 10 इंच यहाँ से ये हमारी हमने यहाँ से जितनी मोहरी लेनी है 4.5 पर हमने ये मोहरी लेनी है और यहाँ से हमने 7.5 पर मार्किंग कर दी है 1/2 इंच कम करके। ये देख सकते हैं पूरी पूरी 7.5 पर और अब हम इस सिलाई को लगा देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कर देंगे यहाँ से कटिंग। और अब हम इसे सीधा करके स्लीव्स में लगाएंगे। यहाँ पर ही ओवरलॉक कर लेते हैं वरना थ्रेड निकलते रहेंगे। यह हमने इसे ओवरलॉक कर लिया। ओवरलॉक करने के बाद अब हम इस पर स्लीव्स लगाएंगे। ये बिल्कुल सेट होकर आ जाएगी और इसे लगाने करते हैं स्टार्ट। ये हमारे स्लीव्स लग चुकी हैं। हम इसे आपको सीधी करके दिखाते हैं। ये देख सकते हो सिलाई से सिलाई मिलकर उसके बाद कोई झोल नहीं है हमारी जो स्लीव्स लगी हुई है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी स्लीव लगकर आई है। दूसरे स्लीव्स को भी हम सेम ऐसे ही लगा देंगे। यहाँ पर सेम ये हमने नीचे की सारी फोल्डिंग को इस फुट से, ये फोल्डिंग फुट है हमारा, इससे हमने राउंड राउंड जो है ये हमारा हो गया है सारा फोल्डिंग सिलाई चक राउंड में पूरा। अब हम करेंगे इसकी हमने स्ट्रिप्स रेडी कर ली है। ये हमने इसकी 3 स्ट्रिप रेडी कर ली है। इन स्ट्रिप की जो लेंथ है रेडी होने के बाद 4.25 इंच है और उसके बाद हमने एक फैब्रिक लेना है लंबा। ये है 54 इंच की लंबी मतलब पट्टी है हमारी और 5 इंच चौड़ी है। ये देख सकते हो पूरी पूरी 5 इंच चौड़ी हमारी ये पट्टी है और 54 इंच लंबी है। ये हमारी कमर से 24 इंच एक्स्ट्रा है जिससे हम इसे बांधेंगे नोट की तरह, नोट बनाएंगे। अब इस पट्टी को हमने जो है लंबी पट्टी को हमने ऐसे फोल्ड करना है, दोनों साइड से ऐसे फोल्ड कर यहाँ पर रखना है और ऐसे मार्किंग करके और इसकी कर देनी है कटिंग। अब हम इसे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे ऐसे ही। अभी थोड़ा जंप कर देंगे जिससे हम पट्टी यहाँ से पलट कर निकाल सकते हैं। इस पट्टी को हम पलट कर सीधी कर लेंगे। ये हमने इसे पलट दिया है।
ये हमारी पलटकर अब हम इस पर दाब की सिलाई चला देंगे। अब हमारा ये जो पट्टी रेडी होने के बाद हमने 3 स्ट्रिप रेडी की है, ये हमने कहाँ कहाँ लगानी है हम आपको बताते हैं। फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड की एक यहाँ पर हमने लगानी है सेंटर पर, हम निशान लगा देते हैं और ये पट्टियाँ यहाँ पर हमारी लग जाएंगी, ये इधर, ये इस साइड, और एक बैक साइड पर बिल्कुल पीछे सेंटर में। फ्रंट साइड पर यहाँ पर तो ये हमारी जो है टाई अप होगी, तो हमें यहाँ पर नहीं लगानी है, ओनली 3 लगानी है। ये पट्टी कैसे लगानी है, तो हमने 3 स्ट्रिप लगा ली है और ये 54 इंच की हमने टोटल एक पट्टी रेडी कर ली है जिससे हम नोट बनाएंगे। उसे तीनों लेयर से पीछे से भी निकालना है हमने, और तीनों में से निकालते हुए इसकी आगे नोट बन जाएगी, ये एज अ बेल्ट की तरह हमारा। और हमारा कोड सेट बहुत यूनिक में आ रहा है, जो आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। और से इस लूप्स में से भी जो हमने साइड में स्ट्रिप लगाई है इसमें से भी हम इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इस पर आगे फ्रंट पर नोट बनेगी, और यहाँ पर हमारे आई काज बनकर जो हमारे फ्रंट में हमने पिनअप किया हुआ है यहाँ पर कोट कॉलर पर, यहाँ पर हमारे हमने यहाँ पर काज बना देने हैं बटन लगाने के लिए। और ये हमारी नोट हो गई है रेडी, ये हल्की सी बस ओनली एक गिट लगानी है और ज़्यादा टाई अप नहीं करनी है, करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा एक बो हमारा बन जाएगा अच्छे से बनाएंगे जब, अभी हमने थोड़ा जल्दी में बनाया है सेटिंग करके। ये हमने सारा रेडी कर लिया है और ये इसका नोट है, और इसका देख सकते हैं पूरा अम्ब्रेला फ्लोक। तो हमने यहाँ पर काज बना लिए हैं, 2 काज एक बटन फिक्स कर दिया है, तो इन पर हम नीचे सेम यहाँ से बटन लगाते हुए पर बटन लगा देंगे। और ये देख सकते हैं बटन लगने के बाद इसका लुक बेडशीट से बना हुआ लग ही नहीं रहा है, बहुत ही प्यारा लुक आया है। ये एक हल्की सी झलक आपको दिखा देते हैं, और ये है इसकी, देख सकते हैं आप अभी वियर करा हुआ। हम इंस्टा पर इसकी वीडियो अपलोड कर देंगे जल्दी ही, जिनका है कस्टमर अपने आप डालकर इसकी वीडियो दे देंगे। सो होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड कमेंट में बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।